हाँ तो दोस्तों, ये हमारा सिंपल सा कंप्यूटर सेटअप। ठीक है दोस्तों, इस उसका है। तो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम इसके अंदर नेट चला सकते हैं विदाउट एन डोंगल, और जो एक छोटा सा एक पार्ट आता है 300 रुपये का विदाउट उसके। तो हमको सिंपल सा करना क्या है, सबसे पहले तो रिफ्रेश मारना है कंप्यूटर को। सिंपल सी बात है, ये मारा हमने इसको रिफ्रेश। ठीक है, उसके बाद हमने यूएसबी केबल लगा देनी है, जो चार्जिंग जिससे हम चार्जिंग करते हैं फ़ोन की। जैसे कि आपको पता ही होगा, यूएसबी केबल जो भी आपके मतलब टाइप सी या कोई भी ए टू सी। सिंपल से इसमें लगा देना है। इसमें लगाने के बाद ये नहीं छोड़ देना है इसको, अपने नेट चालू हो जाएगा नहीं। तो हमने यहाँ देखना है सामने स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं कि ये क्या लिखा आ रहा है, दिखाता हूँ एक बार आपको जरा ध्यान से। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे हम फाइल्स ट्रांसफ़र करनी होती है तो उसके लिए लिखा आता है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वाईफाई हमने ऑन करना है। सिंपल सा वाईफाई या किसी के नेट से आप हॉटस्पॉट कर सकते हैं ऑन। ठीक है, तो यूएसबी चार्जिंग दिस डिवाइस है ना, इसको हमने हटाना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले किसी फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद जैसे ही एमआई का मोबाइल है, तो एमआई के मोबाइल के अंदर मोर के अंदर जाकर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन हमको मिलेगी, यूएसबी टेथरिंग। तो हमने इसको सिंपल सा ऑन करना है। तो आप देख सकते हैं सामने से वो ऑप्शन भी हट गई है जो आ रहे थे अभी, तो मतलब हमको चाहिए नहीं थी यूएसबी टेथरिंग। जब यहाँ पर लिखा आ जाएगा टेथर्ड, तब आपने समझ जाना है कि ये पेयर हो चुका है उसके साथ, मतलब कनेक्ट हो चुका है। और ऊपर ये कुछ यहाँ लिखा आ जाएगा टेथरिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव एज यू कैन सी। तो सिंपल से स्टेप्स हमको ये करने हैं फॉलो। और उसके बाद हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा सेट करो ट्राइपॉड में। तो उसके बाद क्या करना है, हमने तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे स्टेटस बार आ गई, डेस्कटॉप बार जो भी कहते हैं इसको। तो यहाँ आप राइट साइड में देख पा रहे हैं फोकस, ये यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये वाला सेकंड वाला नेटवर्क 6 इंटरनेट एक्सेस लिखा आ रहा है अभी, अगर आपको दिख पा रहा हो तो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सेकंड वाली ऑप्शन, तो ये सेकंड वाली ऑप्शन में हमने क्लिक करना है। और यहाँ पर आएगा ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, यहाँ से जाके हमने यहाँ पर लिखा आएगा पब्लिक नेटवर्क और होम नेटवर्क। यहाँ पर ऊपर एक आएगी थीम सी, उसको हमने करना है पब्लिक नेटवर्क, सॉरी होम नेटवर्क पे अगर आपका वाईफाई है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सिंपल से स्टेप्स। अब मैं चला के दिखाता हूँ आपको कैसे चल रहा है। एक बार मैं दिखाता हूँ कि बिना इसको मतलब डिस्कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कुछ नहीं चल रहा है और लोग समझेगी इसके अंदर ही मैंने नेट डलवा रखा है। ये क्रोम खोला मैंने, तो एक गूगल आ गया, लिखा यूट्यूब पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ध्यान से देख लीजिए, देयर आर नो इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, और अब जैसे ही मैं ये केबल इंसर्ट करता हूँ अपने एमआई के फ़ोन के अंदर, एज यू कैन सी, तो हमको ये यूएसबी चार्जिंग की हर बार ही बस ये करनी पड़ेगी कनेक्टेड, बस ये इसमें प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग एल्स। तो ये मोर में जाके सिंपल सा यूएसबी चार्जिंग ऑन, तो ये टेथर्ड हो गया है एज यू कैन सी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूएसबी चार्जिंग टेथर्ड मतलब कनेक्टेड हो गया है। तो फ़ोन को हमने रख देना है साइड में, उसके बाद चलेंगे हम स्क्रीन पे कंप्यूटर पे। तो ये हमने करा टच यूट्यूब पे मतलब क्लिक, और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी स्कूटी पे ब्लॉग बनाऊँ, स्कूटी की सर्विस करा रहा हूँ कल मैं, तो बताइएगा स्कूटी पे ब्लॉग ब्लॉग चाहिए तो उसमें ज़रूर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मैं बनाऊँ वीडियो वाली कि नहीं।
तो देखिए अब ये प्रॉब्लम आ सकती है कईयों के फोन कंप्यूटर में कि ये लिखा आ सकता है, योर क्लॉक इज बिहाइंड, अ प्राइवेट कनेक्शन टू www.youtube.com कांट बी एस्टेब्लिश बिकॉज योर कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा है डेट एंड टाइम का पंगा। तो सिंपल सा हमको क्रॉस करना है और इधर जाना है ये डेट वाले कॉलम पे। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये डेट वाला कॉलम है, 12:13 हो रहे हैं इसके अंदर, जबकि अभी टाइम हो रहा है 7:16। तो देखिए इस टाइम को सेट करना है हमने। यहाँ जाएंगे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स कर देना है हमने। तो ये लिखा आ गया यहाँ पे, मतलब बना आ गया। इसके अंदर हमने सेट करना है इसको जो भी मतलब है हमारा ईयर और मंथ। तो ये जाएंगे 2018 में हम, जुलाई, तारीख कितनी है 27, और टाइम देख लेंगे 7:16 है, 7:14 भी चलेंगे। तो ये अब ओके हो गया है। तो ये तो सिंपल सा स्टेप, अब देख सकते हैं आप 7:14 आ रहा है टाइम। तो ये प्रॉब्लम तो हर किसी कंप्यूटर में आ ही सकती है जहाँ तक मेरे को लगता है। तो अब चलते हैं फिर से क्रोम में और बताते हैं आपको किस तरह से चलाना है इसको। बस ये कुछ स्टेप्स थे, आपको ये फॉलो करने हैं तो आपका कंप्यूटर के अंदर नेट चलेगा और 300 रुपये बच जाएंगे। 300 रुपये दोस्तों, वही 300 रुपये का आप नेट डलवाइए फ़ोन के अंदर और टेम्पर्ड कवर को चेंज करवाइए बढ़िया से, तो ये फ़ायदा हो जाता है हमको इससे। और जैसे यूट्यूब पे मैंने क्लिक किया है, वो तो यूट्यूब चालू हो गई है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी नोटिफिकेशन आ रहे हैं यूट्यूब के। तो देख सकते हैं आप ये चालू हो गया हमारा नेट, ये देख लीजिए। अभी अभी भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर लिखा आ रहा है टेदरिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव अभी भी। और ये मत समझना कि आप हॉटस्पॉट ऑन करके इसके अंदर नेट चला लोगे तो आपको चल जाएगा, नहीं, इट्स नॉट अ लैपटॉप, ये सिर्फ कंप्यूटर पे ही हो सकता है। तो मैं अपना चैनल दिखा देता हूँ आपको एक बारी, देखिए नेट चल रहा है ध्यान से। नेट थोड़ा स्लो हो गया है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चालू नहीं हुआ अभी भी, देखते हैं क्या करना है। इतने नोटिफिकेशंस, भाई साहब हद होगी हद, आई जा रहे हैं आई जा रहे हैं। मैं दूसरे नेट से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको फिर से, ये वाईफाई थोड़ा स्लो चल रहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। अपने फोन में से चलाता हूँ मैं नेट, तो ये मैंने कर दिया चालू। तो आप देख पा रहे हैं रेडमी 5 के साथ कनेक्टेड है वाईफाई, तो देखते हैं कितनी स्पीड आती है। चल जाओ भाई, मेरे यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये आ गया एज यू कैन सी, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं
माई चैनल। तो आप देख सकते हैं मेरा चैनल लगा है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मंजोट ओनली फॉर यू। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप नेट चला सकते हैं, आपको वीडियो भी चला के दिखा देता हूँ अपनी मैं। आवाज नहीं आई क्योंकि स्पीकर यार खराब हो गए हैं, फिर भी आपको दिख तो रहा ही होगा कि कंप्यूटर में वीडियो चल रही है। एज यू कैन सी देयर साइट, आप देख सकते हैं। तो ये सी सिंपल सी एक टेक्निक अपने 300 रुपये बचाने की। जो लोग कंप्यूटर जहाँ से भी ठीक करवाते हैं लेते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई साहब आपको अगर कंप्यूटर में नेट चलाना है तो आपको एक छोटा सा डोंगल खरीदना पड़ेगा जिसके अंदर आप सिम डाल सकते हैं और सिम खरीद भी सकते हैं यहीं से ही। तो वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में ऐसा कहते हैं, बताते नहीं हैं ये ट्रिक। तो और कई कहते हैं कि ये 300 रुपये का डंबल, ये वाला डोंगल ये खरीद लीजिए आप, इससे नेट चलेगा आपका फास्ट एंड फास्ट। पर इससे बढ़िया तो यही है, ये USB लगाओ, USB की तार खोएगी घर में, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा नीचे, मैं बताऊँगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर चलते हैं।